हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों ध्यान देना, इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपको मैंने कुछ थ्योरी समझाई थी और साथ में दोबारा से क्रिएट टेबल कमांड सिखाया था। और जिन बच्चों ने प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल कर रखा है उनको हमने प्रीमियम कोर्स की कॉरस्पॉन्डिंग वीडियोस दी थी। और बाय चांस अगर किसी बच्चे की मिस हो गई हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्रीमियम कोर्स की वीडियो पहले जरूर देख लेना और उसके बाद इस वीडियो को देखना। और जिसने प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल नहीं कर रखा, करना चाहता है, नंबर फ्लैश होता है, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ और आगे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं जो रिलेशन है किसके साथ, MySQL के साथ ही उसका रिलेशनशिप है। इस वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप इस वीडियो को देखोगे तो सॉल्व कर पाओगे। तो अपने नोट्स जरूर बनाते रहना। अगर आपने नोट्स परचेज नहीं करे तो चॉइस आपकी है, जरूर ले लेना। बाकी नोट्स तो जरूर बनाना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है ये MySQL की, इसमें कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। काफी ऐसी मिस्टेक्स होगी जो मैं करूंगा, जो स्टूडेंट करता ही करता है, तो मैं पहले ही कर दूंगा जिससे कि आप नहीं कर कर आओ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। अंदर मेंशन है शो, डिस्प्ले, प्रिंट या रिट्रीव, इनमें से कोई भी वर्ड मेंशन है तो हम वहां पर यूज करेंगे सेलेक्ट कमांड। तो ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले वाले पेज पे लिख लेना। अगर क्वेश्चन मेंशन है शो, डिस्प्ले, प्रिंट, रिट्रीव, तो कौन सी कमांड यूज करनी है हमें, सेलेक्ट कमांड यूज करनी है। अब आगे हम क्वेश्चन जो भी करेंगे उसके लिए हम एक टेबल लेंगे, उस टेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग हम कमांड्स लिखेंगे। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये एक टेबल गिवन है, इसको पहले टेबल को आप बना लो, ठीक है, इस टेबल को बना लो, इस टेबल को कंसीडर करते हुए हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट? चलते हैं आगे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है हमारा, राइट द एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमें क्या करना है, एसक्यूएल कमांड लिखनी है जिससे कि डिस्प्ले मतलब प्रिंट करनी है सारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन। तो जब डिस्प्ले, प्रिंट, रिट्रीव या शो करना हो कौन सी कमांड यूज करेंगे, वहां पर हम यूज करेंगे सेलेक्ट कमांड। तो मैंने लिखा सबसे पहले सेलेक्ट, लिखा नेक्स्ट लाइन में लिखा फ्रॉम, और उसके बाद लिखा फ्रॉम के बाद टेबल का नाम, दैट इज गैप्स। अब ध्यान देना हमें क्या शो करना है, क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि शो करनी है सारी इंफॉर्मेशन। जब भी सारी इंफॉर्मेशन शो करनी होगी तो हम सेलेक्ट के साथ लिख देंगे स्टार, कुछ ऐसे। तो क्या लिख दिया हमने, स्टार लगा दिया, तो क्या बन गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, दैट इज गैप्स। और लास्ट में क्या लिख देंगे हम, जब कमांड खत्म होगी सेमी कॉलन। इससे क्या होगा, जितना भी टेबल के अंदर डेटा होगा सारा का सारा शो हो जाएगा, ठीक है, राइट? ये लिख लो इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द एसक्यूएल कमांड टू शो द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दोस स्टूडेंट्स हु लिव्स इन दिल्ली। इसके अंदर हमें शो करनी है सारी इंफॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स की जो दिल्ली में रहते हैं। शो करना है तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, लिखा सेलेक्ट नेक्स्ट लाइन में फ्रॉम टेबल का नाम, दैट इज गैप्स। अब ध्यान देना क्या शो करना है हमें, सारी इंफॉर्मेशन या कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें शो तो करना है उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन जो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन क्या उसका रोल नंबर, नेम, मार्क्स, क्या उसका सब कुछ शो करना है क्वेश्चन में, ऐसा तो मेंशन नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, स्टार। तो लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गैप्स। अब क्या शो करना है, उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन शो करनी है जो दिल्ली में रहते हैं। इसका मतलब कंडीशन लगानी है, कंडीशन किससे लगेगा, टेबल के नाम के बाद क्या लिख दिया, वेयर। क्या लिखा हमने, वेयर। किसकी इंफॉर्मेशन, जो दिल्ली में रहते हैं। अब दिल्ली में टेबल के अंदर देखो कॉलम का नाम क्या है, दिल्ली कहां पर है, सिटी के अंदर, तो लिखा वेयर के बाद सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। अब ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिल्ली जो है हमारा अल्फाबेट्स है तो किसमें आना चाहिए, सिंगल कोट्स के अंदर। ये मैंने इसको किसमें डाल दिया, सिंगल कोट्स के अंदर। और लास्ट में जब कमांड खत्म होगी तो क्या आएगा हमारा, सेमी कॉलन। लास्ट में क्या आएगा, सेमी कॉलन। अब समझते हैं इस कमांड में क्या हुआ, इस कमांड में ये हुआ कि हमें उस स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन देगा, क्या किस स्टूडेंट्स की, उन स्टूडेंट्स की जो दिल्ली में रहता है, उन सब स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, क्या क्या रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एड्रेस, जो भी टेबल में है वो सब आ जाएगा। तो इसलिए हमने सेलेक्ट के साथ क्या लगाया, स्टार लगाया, ठीक है। तो इसमें हमने देखा अगर कंडीशन लगानी है तो किसकी हेल्प से लगेगी, वेयर की हेल्प से लगेगी। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स को, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं जो उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आप कैपिटल स्मॉल किसी को कैसे भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। कमांड जो है पूरी की पूरी एक लाइन में भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। मैं अलग अलग लाइन में इसलिए लिख रहा हूं, एक तो प्रेजेंटेशन के लिए और दूसरा इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा कमांड का फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है, राइट? ये लिख लो इस कमांड को।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले रोल नंबर नेम मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। हमें क्या शो करना है, रोल नंबर नेम एंड मार्क्स सारे स्टूडेंट्स का। तो ध्यान देना, स्टार हम यूज करते हैं जब हमें सारी इंफॉर्मेशन शो करनी है, कोई भी पर्टिकुलर कॉलम मेंशन नहीं है। तो हम पहले आंसर से करते हैं, स्टार्ट करा क्या यूज करेंगे, सेलेक्ट कमांड लिखा सेलेक्ट फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम गैप्स। क्या शो करना है हमें, सारी इंफॉर्मेशन शो नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर नेम और मार्क्स शो करना है। तो मैंने लिखा सेलेक्ट के बाद रोल स्टार नहीं लगाया, क्या लिखा रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स। ठीक है, यहां तक क्लियर। और लास्ट में क्या आ गया, सेमी कॉलन, लिख लो इस कमांड को। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी रोल नंबर नेम एंड मार्क्स किस स्टूडेंट की, सारे स्टूडेंट्स की, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है सब स्टूडेंट की रोल नंबर नेम मार्क्स को शो करना है। ठीक है, राइट, लिख लो इसको। अब ध्यान देना, इस कमांड के अंदर एरर है, क्या एरर है ये हाईलाइट करता हूं मैं इसको। ठीक है, ये हाईलाइट कर दिया, क्यों मिस्टेक है इसके अंदर, ध्यान से समझना। क्वेश्चन के अंदर जैसा कॉलम का नाम है हमें आंसर में वैसा ही कॉलम का नाम लिखना है। तो क्वेश्चन के अंदर जो हमारा रोल नंबर है और एडमिशन नंबर है, क्वेश्चन में जैसा है उससे मतलब नहीं है, हमें कहां जाना, टेबल के अंदर, टेबल में जैसा हेडिंग लिखा हुआ वैसा ही लिखना है। रोल नंबर के आगे क्या लिखा होता है, एस रोल नंबर, और उसके बाद नेम के आगे क्या लिखा होता है, एस नेम। तो हम लिख देंगे एस रोल नंबर कॉमा एस नेम, ये हो गया हमारा। तो करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट एस रोल नंबर कॉमा एस नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम टेबल का नाम और लास्ट में सेमी कॉलन। ठीक है, लिख लो उसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल कमांड टू शो रोल नंबर नेम मार्क्स एज ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स हु लिव्स इन दिल्ली। हमें शो करना है रोल नंबर नेम मार्क्स एज उन स्टूडेंट्स के जो दिल्ली में रहता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेलेक्ट नेक्स्ट लाइन में फ्रॉम टेबल का नाम गैप्स। ठीक है, किसका करना है, जो दिल्ली में रहता है। तो पहले मैं कंडीशन लिखता हूँ, वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, और दिल्ली किसमें आएगा, हमारा सिंगल कोट्स के अंदर। क्या शो करना है, रोल नंबर नेम मार्क्स एज। तो रोल नंबर के लिए एस रोल नंबर कॉमा, नेम के लिए एस नेम कॉमा मार्क्स कॉमा एज, और लास्ट में सेमी कॉलन। अब ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा रोल नंबर नेम मार्क्स और एज उन स्टूडेंट्स के जो दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर, लिख लो इसको। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसक्यूएल कमांड टू शो द इंफॉर्मेशन ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज मार्क्स इज बिटवीन 95 एंड 98, और साथ में क्वेश्चन में गिवन है बोथ 95 एंड 98 आर नॉट इंक्लूडेड। हमें क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन शो करनी है उन स्टूडेंट्स की जिनके मार्क्स 95 और 98 के बीच में आते हैं, 95 एंड 98 इंक्लूड नहीं है। तो क्या करेंगे, समझते हैं आंसर से, हमें क्या करना है, शो करना है। तो भाई लिखा सेलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम, ये तो फिक्स है, सेलेक्ट फ्रॉम गैप्स, ये तो फिक्स हो गया। क्या शो करना है, सारी इंफॉर्मेशन शो करनी है, तो उसके लिए क्या आ गया, हमारा स्टार आ गया। लेकिन किसकी इंफॉर्मेशन शो करनी है, उनकी जिसके मार्क्स 95 से ज्यादा है और 95 से कम है। तो लिखा वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 95, और फिर से लिखा मार्क्स लेस देन 98। अब इसमें क्या होगा, मार्क्स 95 से ज्यादा है और मार्क्स 98 से कम है। अब ध्यान देना, दो कंडीशंस लगा रखी है, जब भी हम एक से ज्यादा कंडीशन लगाएंगे तो वहां पर हमें बीच में या तो एंड यूज करना पड़ेगा या और यूज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यह था कि एंड कहां पर आएगा और कहां पर आएगा। एंड वहां पर यूज होता है जब जितनी भी कंडीशन लगा रहे हैं सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, और यूज होगा हमारा वहां पर जहां पर जितनी भी कंडीशन लगा रहे हैं उनमें से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें शो करने मार्क्स 95 से 98 के बीच में, तो इसका मतलब क्या होगा, 95 से ज्यादा होने चाहिए और साथ साथ में 98 से कम होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 95 से ज्यादा है, सपोज 100 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या 98 से कम होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो कंडीशन के बीच में क्या आ गया, हमारा एंड आ गया। तो हमने कंडीशन के बीच में क्या लगा दिया, एंड लगा दिया, क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, लिख लो इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि अगर 95 और 98 इंक्लूड है तो क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वाला, लेकिन क्या है, चेंज है, 95 एंड 98 जो है इंक्लूड है। तो क्या लिखेंगे हम, स्टार्ट करते हैं आंसर से। लिखा सेलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम गैप्स, क्या शो करना है, सारी इंफॉर्मेशन, तो स्टार वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 95 मार्क्स लेस देन 98। अब ध्यान देना, ये भी वही लिख दिया मैंने, 95 से ऊपर 98 से कम, लेकिन क्वेश्चन कहता है 95 भी इंक्लूड है और 98 भी इंक्लूड है। तो जहां पर हमने लिखा ग्रेटर का साइन, उसके सामने लिख दिया इक्वल टू का साइन,
इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 95 हो गया, साथ साथ में 98 भी इंक्लूड है तो लिख दिया लेस देन इक्वल टू 98, दोनों कंडीशंस आ गई। अब दोनों ट्रू होना चाहिए तो हम बीच में क्या लगा देंगे, एंड, ए एन डी एंड लिख दिया और लास्ट में सेमीकॉलन। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब ध्यान देना, इस कमांड को करने के दो तरीके हैं, दिस इज वे वन। अब सेकंड तरीका देखते हैं, सेकंड तरीका क्या है, लिखा सेलेक्ट फ्रॉम गैप्स, ये तो एज इट इज, और उससे पहले क्या आ गया स्टार, वेयर मार्क्स, क्या लिखा मार्क्स क्या होने चाहिए 95 और 98 के बीच में, और 95 98 भी इंक्लूड होगा, तो लिखा बिटवीन 95 टू 98 और लास्ट में सेमीकॉलन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ जब हमने बिटवीन यूज करा तो जो वैल्यूज स्टार्टिंग में और एंड में गिवन है दोनों इंक्लूड होगा, तो क्या आ गया 95 टू 98। ठीक है, यहां तक लिख लो। अब ध्यान देना, जब ये क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट यहां पर ये मिस्टेक करता ही करता है, जो मैंने यहां पर मिस्टेक कर रखी है, अब देखते हैं क्या मिस्टेक है, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, एक बंदे को बुलाते हैं और वो इसको हाईलाइट करके जा रहा है उसके इनबॉक्स, क्या मिस्टेक है, जहां पर हमने टू यूज करा हो वहां पर टू यूज नहीं होगा, एसक्यूएल के अंदर कहीं पर भी टू वर्ड का यूज ही नहीं होता। क्वेश्चन में लिखा होता है कि मार्क्स 95 टू 98, तो स्टूडेंट देखता है टू लिखा हुआ, टू को लगा देगा, दैट इज इनकरेक्ट, तो टू नहीं आएगा, इसको हमने हटा दिया। यहां पर भी क्या आएगा, एंड, ए एन डी एंड, तो बिटवीन के साथ क्या होगा, बिटवीन 95 एंड 98, सेमीकॉलन। अब ध्यान देना, बिटवीन का मतलब हम लोगों के अकॉर्डिंग तो लास्ट की वैल्यूज इंक्लूड नहीं होता, लेकिन अगर हम बात करें फॉरनर्स की, अमेरिकन की बात करें, तो उनमें उनका बिटवीन का मतलब होता है जो लास्ट वैल्यूज है वो इंक्लूड होगा। तो ये एसक्यूएल किसने बनाया, फॉरनर्स ने, उनके हिसाब से क्या होता है, बिटवीन का मतलब इंक्लूड होता है, तो इसलिए जब हमें इंक्लूड करनी है लास्ट की वैल्यूज तो हम बिटवीन भी यूज कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, वे वन एंड वे टू, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। फर्स्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया, लेस देन इक्वल टू लगाया, सेकंड में हमने सिंपल लिख दिया बिटवीन 95 एंड 98। ठीक है, राइट, ये लिख लो कमांड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसक्यूएल कमांड टू शो रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एज ऑफ दो स्टूडेंट्स हु लिव्स इन दिल्ली, पुणे, मुंबई। इसमें हमें क्या करना है, उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन शो करना है जो दिल्ली में, पुणे में, मुंबई में, यहां पर कहीं पे भी रह सकता है। क्या क्या शो करना है हमें, रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड एज शो करना है। तो लिखा हमने सेलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम, गैप्स, ये तो एज इट इज। रोल नंबर के लिए टेबल में कॉलम का नाम क्या, एस रोल नंबर, तो क्या आ गया हमारा, एस रोल नंबर। नेम के लिए कॉलम का नाम क्या, एस नेम, यहां पर भी क्या आ गया, एस नेम, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया। मार्क्स के लिए कॉमा मार्क्स, एज के लिए कॉमा एज। किसके स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन शो करनी है, उन सब की जो दिल्ली, पुणे, मुंबई में रहते हैं। तो कंडीशन आएगी, लिखा वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली किसमें आ गया, सिंगल कोट्स में, स्पेस देके मैं लिख रहा हूं, सिटी इज इक्वल टू पुणे, वो भी किसमें आएगा, सिंगल कोट्स में। उसके बाद क्या आ गया, सिटी इज इक्वल टू मुंबई, वो भी किसमें आ गया हमारा, सिंगल कोट्स में। अब ध्यान देना, हमें क्या शो करना है, उन स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन जो इनमें से कहीं पे भी रहते हैं। अब बीच में, जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया, जब भी एक से ज्यादा कंडीशन होगी तो बीच में हमें या तो एंड यूज करना पड़ेगा या और यूज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर हम एंड यूज करेंगे या और यूज करेंगे, दिमाग लगाओ क्या यूज होना चाहिए। अधिकतर स्टूडेंट बीच में एंड लगा देते हैं, एंड का मतलब होता है कि तीनों ट्रू होने चाहिए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट तीनों जगह पर रहे, दिल्ली में भी, पुणे में भी, मुंबई में भी, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा, इन तीनों में से कहीं पर भी रहेगा उसकी इंफॉर्मेशन शो करनी है। तो बीच में क्या आ गया हमारा, कोई भी ट्रू होना चाहिए, तो और लिखा, और लिख दिया हमने। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ध्यान देना, इस कमांड को लिखने के दो तरीके हैं, ये हमारा वे वन है, पहले इसको लिख लो। इस कमांड के अंदर ड्रॉबैक ये है कि हमें हर बार सिटी लिखना पड़ रहा है, हर बार इक्वल टू का साइन लगाना पड़ रहा है और बीच में और लिखना पड़ रहा है। क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि हमें बार बार नहीं लिखना पड़े, बिल्कुल है। और को हटाने के लिए हम यूज कर सकते हैं इन, क्या यूज कर सकते हैं इन, देखते हैं कमांड के अंदर। लिखा हमने सेलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम, ये तो सेम है एज इट इज, जो जो कॉलम्स के नाम है वो भी मैंने एज इट इज लिख दिया, एस रोल नंबर, एस नेम, मार्क्स, एज। उसके बाद क्या आ गया, वेयर सिटी इन, क्या यूज करा, सिटी के बाद इन यूज करा, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, इसके अंदर हम लिख देंगे सारे सिटीज के नाम जो जो गिवन है। लिखा दिल्ली, कॉमा पुणे, कॉमा मुंबई, किसमें आएगा, सारा सिंगल कोट्स के अंदर, लास्ट में सेमीकॉलन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों में से कहीं पर भी होगा तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो हमने यहां पर ये देखा कि अगर और यूज करना है, इस कमांड में हमने सीखा कि और कहां पर यूज करा जाता है, और यूज किया जाता है जब
जितने भी कंडीशन दिख रहे हैं उनमें से कोई भी ट्रू हो, और को हटाने के लिए हम इन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन तभी यूज होगा जब कंडीशन एक ही कॉलम पर है। जैसे इसके अंदर सिटी के ऊपर कंडीशन है, तीनों सिटी के ऊपर कंडीशन है, तो इसको हटाने के लिए हम इन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज वे टू, दोनों लिख लो। आपको दोनों ही आना चाहिए क्योंकि पेपर में या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इनका यूज क्या है, या फिर दिया जा सकता है एक कमांड दे दी कहेगा इसका सेकंड वे लिख के दिखाओ, ठीक है, या फिर आउटपुट निकाल के दिखाओ। तो आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए, ठीक है, राइट, लिख लो इसको। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं कि अभी तक हमने क्या क्या करा, जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन है। अगर हमें एक से ज्यादा कंडीशन लगानी है तो हम बीच में यूज करेंगे एंड या फिर और। एंड तब यूज होगा जब जितनी भी कंडीशन लगाई है सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, और तब यूज होगा जब जितनी भी कंडीशन लगा रहे हैं उनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, तो वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, और यूज कर सकते हैं। और की जगह हम इन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन तभी यूज होगा जब कंडीशन एक ही कॉलम के ऊपर है, अलग अलग कॉलम्स पे है तो और यूज नहीं, सॉरी तो इन यूज नहीं हो सकता, ठीक है, राइट। उम्मीद रखूंगा आपको सब सही से समझ में आया होगा। इस वीडियो के अंदर हमने काफी मिस्टेक्स करी, काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस करे, और मुझे उम्मीद है आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे। तो दोस्तों इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने चाहिए जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो। और जिन बच्चों ने हमसे प्रीमियम कोर्स लिया हुआ है उनको तो नेक्स्ट वीडियो हम प्रीमियम कोर्स से रिलेटेड देंगे जिसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएंगे। और अगर आप भी प्रीमियम कोर्स लेना चाहते हो तो हमारा नंबर है, कॉल करो या व्हाट्सएप करो, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दे दी जाएगी। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।